नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर मतलब कि होता है परिमेय संख्याओं का गुणा द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज डिफाइंड बिलो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स अपान प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स दस फॉर एनी रेशनल नंबर ए अपान बी एंड सी अपान डी वी हैव अब इसमें हमको दिया है ए अपान बी मल्टीप्लाई सी अपान डी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई सी अपान में बी मल्टीप्लाई डी इसके बाद हम आते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर वन फाइंड द प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा दिया है मल्टीप्लाई से तो क्वेश्चन नंबर वन है टू अपान थ्री मल्टीप्लाई फाइव पॉइंट सेवन इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा टू अपान थ्री मल्टीप्लाई फाइव पॉइंट सेवन इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई फाइव अपन में थ्री मल्टीप्लाई सेवन मतलब कि टू में फाइव का हमको मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा हमारा टेन और थ्री मल्टीप्लाई सेवन इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वेंटी वन मतलब ये हमारा हो जाएगा टू अपान थ्री मल्टीप्लाई फाइव अपन सेवन का आंसर हो जाएगा टेन अपॉन ट्वेंटी वन इसके बाद हम आते हैं इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज फोर ई एक्सरसाइज फोर ई का हमारा क्वेश्चन नंबर वन है मल्टीप्लाई नंबर वन है हमारा थ्री अपान फोर बाई फाइव अपान सिक्स अब इसको हम सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे हमारा हो जाएगा सोल्यूशन थ्री अपान फोर मल्टीप्लाई फाइव अपान सेवन अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई फाइव अपान में फोर मल्टीप्लाई सेवन इज्कल टू मल्टीप्लाई कर देंगे हम हो जाएगा फिफ्टीन अपान में ट्वेंटी एट अब इसमें एक नंबर हमारा ऑड है एक इवेंट है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा फिफ्टीन अपान ट्वेंटी एट हमारा आंसर हो जाएगा उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन जो नंबर टू है नाइन अपान एट बाई थर्टी टू अपान में थ्री इसको भी जैसे हम पहले किए हैं पहले वाले को किए हैं वैसे ही करते जाएंगे उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू सिंपली फाइव अब इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर वन है थ्री अपान ट्वेंटी मल्टीप्लाई फोर अपान फाइव इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा है थ्री अपान ट्वेंटी मल्टीप्लाई फोर अपान फाइव इसको सॉल्व करने के लिए दो रूल होते हैं रूल नंबर वन से हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई फोर अपान में ट्वेंटी मल्टीप्लाई फाइव इज्कल टू थ्री थ्री मल्टीप्लाई फोर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा ट्वेल्व अपान में ट्वेंटी मल्टीप्लाई फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हंड्रेड अब इसको हम फोर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा थ्री अपान ट्वेंटी फाइव इसी तरह हम रूल नंबर टू से जब स्टार्ट करेंगे इसको करने के लिए तो तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन ट्वेंटी मल्टीप्लाई फोर अपान फाइव अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से डिवाइड सॉरी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फोर से ट्वेंटी को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा फोर वन जा फोर फोर फाइव जा ट्वेंटी अब हमारा हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू थ्री और फाइव मल्टीप्लाई फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव मतलब दोनों रूल से हमारा आंसर हो जाएगा थ्री अपान ट्वेंटी फाइव ये हमारा हो जाएगा आंसर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर टू माइनस सेवन अपान थर्टी मल्टीप्लाई फाइव अपन फोर्टीन इसको भी जैसे हम आगे के क्वेश्चन किए हैं वैसे ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे आगे रेसिप्रोकल आर न्यू सॉरी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज वन देन ईच वन इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर दस द रेसिप्रोकल ऑफ ए बी इज बी अपान ए एंड वी राइट ए अपान बी पावर माइनस वन इजल टू बी अपान ए इसमें हमको दिया रेसी प्रोकल ऑफ ए अपान बी मतलब ए अपान बी का जब हम रेसी प्रोकल करेंगे तो हमारा हो जाएगा बी अपान ए जिसको हम लिख सकते हैं ए अपान बी का इनवर्स इज इक्ल टू बी अपान ए क्लियरली वन रेसिप्रोकल ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट मतलब जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता नंबर टू है रेसिप्रोकल ऑफ वन इज मतलब वन का रेसिप्रोकल प्रोकल वन ही होता है नंबर थ्री है रेसिप्रोकल ऑफ माइनस वन इज माइनस वन मतलब माइनस वन का रेसिप्रोकल प्रोकल माइनस वन होगा अब इसमें हमको दिया एग्जाम्पल नंबर वन राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ अब इसमें हमको रेसिप्रोकल यानी कि रेसिप्रोकल प्रोकल मीन्स होता है उल्टा तो ये हमारा पहला है क्वेश्चन थर्टीन अपान सेवन तो अब इसमें दिया है हमको रेसी प्रोकल आप थर्टीन अपान सेवन इज अब इसका रेसी प्रोकल करेंगे तो हमारा हो जाएगा सेवन अपान थर्टीन इसी तरह हम आगे के सारे आगे है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या का भाग इफ ए अपान इफ़ ए अपान बी एंड सी अपान डी आर टू रेशनल नंबर सच देट सी अपान डी नॉट इक्वल टू जीरो देन वी डिफाइन ए अपान बी डिवाइड सी अपान डी इज इक्वल टू ए अपान बी मल्टीप्लाई रेसी प्रोकल ऑफ सी अपान डी इज इक्वल टू ए अपान बी मल्टीप्लाई डी अपान सी सी इसमें हमको दिया है ए अपान बी डिवाइड जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके बाद वाला जो नंबर होता है हमारा हो जाता है रेशी प्रोकल हो जाता है और डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई का सिंबल होता है जैसे एग्जाम्पल नंबर वन सिंपली फाइव सेवन अपान फिफ्टीन डिवाइड टू अपान थ्री इसमें हमको करना क्या है इसको सॉल्व करने के लिए सेवन अपान फिफ्टीन डिवाइड टू अपान थ्री इज इक्वल टू सेवन अपान फिफ्टीन अब डिवाइड की जगह हमारा हो जाएगा और टू अपान थ्री हमारा हो जाएगा थ्री अपॉन टू मतलब यहाँ हो जाएगा रेसिप्रोकल इज इक्वल टू सेवन में थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे या तो थ्री से यहाँ पे हम फिफ्टीन को कट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेवन वन जा सेवन और फाइव टू जै टेन इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर फोर एफ़ फोर एफ में हमारा पहला क्वेश्चन है वन फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ रेसी प्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अब इसमें हमको दिया है रेसी प्रोकल नंबर वन हमारा है एटीन अब इसमें रे, इस, रेसी प्रोकल जब करेंगे तो एटीन का हो जाएगा हमारा एट इसके अपान में कुछ नहीं है डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो इसको हम वन मान लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वन अपान एटीन मतलब कि एटीन का रेसिप्रोकल हमारा हो जाएगा वन अपान एटीन इसी तरह नंबर टू है मतलब इसी तरह नंबर टू थ्री फोर को हम रेसिप्रोकल लिखते जाएंगे इसके बाद हम आते हैं नंबर टू सिंपली फाइव इसमें पहला क्वेश्चन है फोर अपन नाइन डिवाइड माइनस फाइव अपान, अपान ट्वेल्व अब इसको सॉल्व करने के लिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा फोर अपन नाइन अब डिवाइड के स्थान पे हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई और इसका माइनस फाइव अपन ट्वेल्व का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा ट्वेल्व अपन माइनस फाइव इज्कल टू फोर अपन नाइन मल्टीप्लाई अब माइनस में हमारा डिनोमिनेटर माइनस में है तो इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व अपन में फाइव अब इसमें क्रास मल्टीप्लाई से हम इसको कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा थ्री थ्री या नाइन थ्री फोर ट्वेल्व अब यहाँ पे हो जाएगा फोर अपान थ्री मल्टीप्लाई माइनस फोर अपन फाइव अब फोर और फोर का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्सटीन और थ्री मल्टीप्लाई फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा फिफ्टीन ये हमारा हो जाएगा आंसर इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू है माइनस एट डिवाइड ब्रैकेट में माइनस फाइव अपन सिक्सटीन मतलब इसको भी हम क्वेश्चन नंबर वन की तरह सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे